अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको हम मिनी रोटीवेटर के बारे में बताते हैं कि मिनी रोटीवेटर कैसे काम करता है। ये दोस्तों मैंने वाईएमसी सादे कबाब से ये मैंने मिनी रोटीवेटर लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम कर रहा है। ये हम पहले ट्रायल पे चला रहे हैं पहली दफ़ा कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमने खुद ही फिट किया है और बहुत ही बेहतरीन ये हमारा चल रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसने जो है ना बेहतरीन इसने हल चलाया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने लेना हो तो ये ज़रूर आप छोटी ज़मीनों के लिए बागात के लिए और ये इसके लिए आप ले सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल रोटीवेटर की तरह काम करता है और बागात के लिए, क्योंकि मेरा सारा सिंगन सीडलेस लेमन का बाग है और ये बाग के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये देखें हमारी ज़मीन पे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पे पहले हल नहीं है और हमने इसको चलाया हुआ है। ये बेहतरीन चीज़ है, अगर किसी ने लेना हो तो वो कमेंट में मुझसे मेरे पास रابطہ करे मुझसे और मैं उसको सारे नंबर वगैरह और बताऊंगा कि इसका कैसे, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। ये हमने इसकी फ़िटिंग भी खुद की है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये बड़ा छोटा भी दोस्तों हो सकता है। इसके जो आगे अभी वो फाले चल रहे हैं वो 3 एक साइड पे, 3 राइट पे और 3 लेफ्ट पे हैं। इसको मैक्सिमम इसको हम 4-4 भी कर सकते हैं, 4 राइट पे और 4 लेफ्ट पे। और इसके अलावा जो है दोस्तों इस पे इसको छोटा भी किया जाता है, इसको छोटे नालियों में भी चला सकते हैं, इसके 2-2 फाले भी हम कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ये चलता है। हमने तकरीबन हमें 10 मिनट हुए हैं, हमने इतनी ज़मीन तैयार कर ली है। तकरीबन ये 1.5 कनाल रकबा होगा जो कि हमने तैयार किया है। मैं तो सबको सजेस्ट यही करूंगा कि आप ये जो है मिनी रोटीवेटर ले। अगर आपकी ज़मीन सख्त है तो आप 13 हॉर्स पावर लें, अगर जैसे बहुत सख्त ज़मीन होती है। अगर आपकी ज़मीन मेरा या नॉर्मल ज़मीन है तो उस पे आप 7 हॉर्स पावर और 9 हॉर्स पावर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आज पहली दफ़ा चला रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेहतरीन।
थैंक यू दोस्तों, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।